तो हम जहां आपको बता रहे थे कि जो रक्त के दलाल हैं वे जिला अस्पताल में सक्रिय हैं, कार्रवाई ना होने के कारण या कार्रवाई छोटी कार्रवाई होने के कारण लगातार यहां पर उनकी सक्रियता बनी रहती है। लेबर चौक पहुंचते हैं, लेबर चौक में वे वहां पर मजदूरों को प्रलोभन देकर यहां पर आते हैं और कहते हैं कि हम आपको काम के लिए लेकर जा रहे हैं, जहां पर भवन निर्माण के कार्य की बात लेकर आते हैं और वो सीधे यहां ब्लड बैंक लेकर आते हैं। लेकिन ब्लड बैंक में भी जो स्टाफ है वह न किसी प्रकार की पूछताछ करता है ना कुछ करता है और सीधे उनका ब्लड निकाल लिया जाता है। वह ब्लड कहाँ जाता है, क्या उसका होता है, यह तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन बड़े स्तर पर जिला अस्पताल के परिसर में यह कार्य चल रहा है जहाँ पर किसी को इसकी खबर तक नहीं है। आज मजदूरों ने यह बात उठाई हुई है, आज हमारे साथ मजदूर हैं। सर जी बताइए आपको क्या दिक्कत है। सामान्य जाते हैं हमारे पास बिल्कुल और पूछते हैं कि कौन सा ग्रुप है। हाँ और फिर कहते हैं भाई फर्स्ट टाइम बोलते हैं कि काम में चलो। हाँ। काम में आते हैं पैसे की मजदूरी कितनी लोग 400-500 रुपये चल रही है मजदूरी। हाँ, हाँ। 400 देंगे चलो। फिर इसके बाद कहा जाता है कि अब बैंक यहाँ अस्पताल लाया जाता है। फिर कहते हैं ग्रुप कौन सा है, हमको इतना खून चाहिए इतना खून चाहिए, कहाँ दे रहे। अच्छा नहीं देते तो फिर क्या होता है। नहीं देते हैं धमकाते हैं जाने नहीं देंगे। अच्छा यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। मारपीट की बात करते हैं, मारपीटेंगे। ऐसे कितने लोग हैं। अब यहाँ तो 10-12 लोग की गैंग थी यही। अच्छा तो हाँ मैं देखी और बोली भाग गई। सर क्या नाम लिखते हैं आप। मैं पप्पू साहू को लिखता हूँ। जी सर जैसा कि आप ठेकेदार हैं और ये मजदूर सब आपके ही अंदर काम करते हैं, इसकी आपको भनक लगी कभी। नहीं नहीं अभी कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा सुनाई तो दे रहा था, हम लोग ने 2-4 बार निरीक्षण करके भी देखा जी। समझ में नहीं आया लेकिन आज भाई लोगों के माध्यम से लेबर लोगों के माध्यम से सुनने को मिला। फिर सभी लोग पकड़ भी लिए थे उन लोगों को, दलाल लोगों को। अच्छा ये जिला के लिए और प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाम की मतलब। हाँ शर्मनाक बात है ये जी, है ना। गरीब लोग 4 पैसे कमाने के लिए आते हैं और कोई लालच देकर के यहाँ लेकर के ब्लड वो कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं जी। ये थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासन की, कि प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पे अस्पताल प्रशासन का ध्यान देना अति आवश्यक है। जो इस तरीके से रक्त की या दलाली की जा रही है जो पूर्णतः गलत है। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी मंडला।